अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने नेम प्लेट अभियान चलाया है। कांवड़ मार्ग पर हिंदू दुकानदारों की दुकान पर नेम प्लेट लगाई गई। ये अभियान अलीगढ़ से शुरू होकर हरिद्वार तक चलाया जाएगा। देखिए अलीगढ़ में हिंदू संगठन नेम प्लेट अभियान चला रहा है। इसके तहत कांवड़ मार्ग पर हिंदू दुकानदारों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाई जा रही है। कांवड़ विवाद का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, इसके बावजूद अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने एक नई शुरुआत की है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने रामघाट रोड कांवड़ मार्ग पर हिंदू फल विक्रेता और होटलों संचालकों की नेम प्लेट लगाई। नेम प्लेट पर जय श्री राम का स्लोगन लिखा हुआ है, साथ में भगवान भोलेनाथ की तस्वीर भी लगी हुई है। अलीगढ़ जिले के क्वारसी थाना इलाके में यह अभियान चलाया गया। हिंदूवादी संगठन से जुड़े दीपक शर्मा ने बताया कि जो लोग पहचान छुपाकर अपनी दुकान लगाए बैठे हैं, इसी को लेकर हमारे हिंदू समाज के सनातनी लोग अपनी सुरक्षा, पवित्रता और आस्था को देखते हुए दुकानों पर अपना नाम लिख रहे हैं। इसके तहत वो अपनी पहचान बताने का काम भी कर रहे हैं। कांवड़ियों की पवित्रता को देखते हुए ये काम किया जा रहा है। यह अभियान अलीगढ़ से हरिद्वार तक चलेगा। आज अलीगढ़ जनपद के क्वारसी चौराहे पर जो है जो प्रमुख मार्ग है कांवड़ यात्रियों का, शिव भक्तों का, उस पर जितनी भी ढकेल है फल की और जितनी भी दुकान है, क्योंकि 40-50 किलोमीटर से जो है कांवड़ यात्री आते हैं, विश्राम और खाना पीने की व्यवस्था देखते हैं। तो अभी कुछ वीडियोज जो है वायरल हो रहे हैं लगातार थूकना और मूतना खाने पीने की चीजों में, तो अपने कांवड़ यात्रियों की शुद्धता और पवित्रता को बचाए रखने के लिए जो है सभी दुकानदार अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी दुकानों पर अपने नाम का पोस्टर जो है लगा रहे हैं, जिसपे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जय श्री राम नाम, पिताजी का नाम, तो और नीचे लिखा हुआ गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दीपक शर्मा ने आगे कहा कि हिंदू दुकानदारों का धर्म भ्रष्ट ना हो, इसलिए वो अपना नाम खुलकर लिख रहे हैं। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। एक अधिकारी का नाम हो सकता है, एक डॉक्टर का नाम हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सुप्रीम कोर्ट का नाम लिखा रहता है, जज साहब का भी नाम लिखा होता है, फिर सरकार के इस फैसले पर क्यों आपत्ति हो रही है? कोई गलत संदेश नहीं जाएगा अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी पहचान उजागर करना चाह रहा है और बैनर लगाना चाह रहा है। तो देखो लोकतंत्र, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना अपनी बात रखने का और अपना जो है पहचान बताने का, तो ये अच्छी बात है। हम लोगों को स्वागत करना चाहिए उन लोगों का जो लोग अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखकर अपनी पहचान बता रहे। सुप्रीम कोर्ट का जो है हम सम्मान करते हैं और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर जो है रोक लगाई है, तो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा और मर्जी से अपनी दुकानों पर बैनर लगा रहे हैं, झंडी लगा रहे हैं, तो इसमें किसी को ना तो सरकार को आपत्ति होनी चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति होनी चाहिए। बता दें कि वही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर अपने अंतिम रोक को बढ़ा दिया है, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में अपने निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि निर्देश कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था। निर्देश जारी करने के पीछे का मकसद कांवड़ियों की यात्रा के दौरान उनके भोजन